हाय गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आपको आज मेरा पसीना देखना पड़ेगा या तो ये फैन की आवाज सुननी पड़ेगी, क्योंकि गर्मी बहुत है और मेरे कमरे में एसी नहीं है तो फैन लगाना ही पड़ेगा। आज मैं थोड़ा कुछ अलग करने वाली हूँ। जनरली तो डेली व्लॉग्स मतलब लाइफ स्टाइल व्लॉग्स बनाती हूँ, गेम खेल के या कोई प्रैंक या ऐसा कुछ। गेम खेलने के लिए दो लोग तो चाहिए एटलीस्ट, प्रैंक के लिए भी कोई इंसान चाहिए और मेरे साथ कोई है नहीं। मैंने बहुत ढूंढा, ऑनलाइन पेज मिला जो कि मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूंगी, जिसमें आपको गेस करना था कि वो सिबलिंग्स है या डेट कर रहे हैं। और मुझे इंटरेस्टिंग लगा वीडियो बनाते बनाते गेस करो, ताकि आप भी मेरे साथ गेस करो और एक अच्छा टाइम स्पेंड करें साथ में। तो लेट्स गो। वैसे तो लोगों को जज नहीं करती लुक वाइज, लेकिन आज के लिए मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैं लुक से ही बताऊंगी कि डेट कर रहे हैं या सिबलिंग है। तो सबसे पहला फोटो में मुझे आप लोग भी साथ में गेस करना और कमेंट्स में बताना कि आप लोगों ने कितना राइट गेस किया। कि आंखें तो सेम है, इतनी भी नहीं है। लड़का का थोड़ा ग्रे कलर का है, लड़की का थोड़ा ब्लूइश कलर है। फेस कटिंग भी नहीं मिलता, हेयर कलर इज ऑल्सो डिफरेंट। मेरे हिसाब से डेटिंग, कि मुझे इन दोनों का फेशियल स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट लग रहा है। डिफरेंट मतलब थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, लेकिन ऐसे भाई बहन वाला सिमिलर नहीं लग रहा। तो इसका आंसर देखते हैं। सिबलिंग तो नहीं लग रहे वैसे, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा पर मुझे तो नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला राइट होगा जरूर। नेक्स्ट है ये। तो अगर मैं इनको बिल्कुल भी जज ना करूं, मैं मतलब एकदम से ऐसे देखूं, तो मैं उनको भाई बहन है। तो मतलब स्माइल सेम है और आंखें सेम है, मैं तो इनको भाई बहन बोलना चाहूंगी। चीक बोन भी सेम लग रहा है मुझे तो, सिबलिंग्स। आप लोग ने अपना जवाब देख लिया तो मतलब ऐसे तो एक पॉइंट भी नहीं कमा पाऊंगी। ये तो बिल्कुल सेम है मतलब। चलो कोई ना, और भी है हमारे पास। थर्ड वन, दोनों के ड्रेडलॉक्स है। सिबलिंग नहीं हो सकते क्योंकि सेम सेम नहीं कराते हैं भाई बहन। नहीं मजाक कर रही हूँ, ऐसा बोला, लेकिन दिखने में ये दोनों भाई बहन लग रहे हैं। लड़की ने जैसे पकड़ा है ऐसे, क्या कोई दीदी अपने भाई को ऐसे पकड़ सकता है? पकड़ सकते हैं ना। दोनों का स्टाइल सेम लग रहा है, सिर्फ बाल से नहीं। जैसे कि लड़की ने बहुत ब्राइट कलर का आई शेडो लगाया और लड़के ने नोज पे वो पहना है। शर्ट भी, लड़की का नेल पेंट भी बहुत ब्राइट है। स्टाइल को क्या बोलते, पता नहीं फंकी, नहीं पता नहीं, जो भी है, लेकिन सिमिलर लग रहा है दोनों का स्टाइल। तो डेटिंग, मुझे लग रहा है कि डेट कर रहे हैं और इनका ये कपल गोल है कि मतलब थोड़ा सेम सेम दिख रहा है। पता नहीं, मैं आंसर दिखा दूंगी, आप लोग बताना सही कि नहीं। फिंगर क्रॉस, मैंने देख लिया यार, तीनों की तीनों गलत। सो नेक्स्ट, वाओ, इनकी आंखें मतलब डिट्टो है, पूरा सेम, मतलब कुछ फर्क ही नहीं है। आंखों का कलर थोड़ा ग्रे ग्रीन मिक्स है, हेयर कलर भी थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, फेस कटिंग तो पूरा सेम है, बस लड़का का जो चिन्ह है उसमें एक डिप है, लड़की का छोटा है, तो वो फेमिनिन और मैस्कुलिन फीचर हो गया होता, लेकिन सिमिलर तो है। नाक भी सेम ही लग रहा है मुझे तो, सब कुछ सेम लग रहा है यार, सब कुछ सेम लग रहा है। मैंने अभी तक जो लगा वो बोला, अब मैं उल्टा बोलूंगी। मुझे ये लग सिबलिंग रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगी डेटिंग, क्योंकि मुझे एक तो डाइट चाहिए। आप लोग रेडी हो अपने आंसर के साथ? रेडी नहीं हो तो आप पॉज करके थोड़ा देख सकते हो अच्छे से, पर मैं आगे बढ़ती हूँ। मुझे लगा सिबलिंग, लेकिन मैं बोलूंगी डेटिंग। कोई बात नहीं, एक तो राइट हुआ, एक तो राइट हुआ, वो भी तुक्का में। अब से हमें क्या करना है, अगर हमें भाई बहन लगे तो हमें बोलना है कि डेट कर, लग रहा है कि वो डेट कर रहे हैं तो हमें बोलना है भाई बहन। नेक्स्ट देखते हैं ये, लड़का ने लड़की के सर पे सर रखा है, मतलब प्यार तो है। भाई बहन का प्यार हो सकता है, वो वाला प्यार, जो भी प्यार हो सकता है, लेकिन सिर पे सिर रखा है मतलब प्यार है, वो सच्चा वाला प्यार है मतलब। तो लड़की ने भी रखा है, लड़की ने अपना हाथ क्रॉस किया है ऐसे, मतलब कि क्या तो क्या मतलब हो सकता है, लड़की मतलब वो उसको पकड़ने में कंफर्टेबल नहीं है, सिबलिंग हो सकता, पता नहीं, देखते थोड़ा और जज करते हैं। लड़की के हाथ के पीछे लड़का का हाथ है, लेकिन लड़के ने उसको पकड़ा नहीं है, लड़का का हाथ ऐसे रखा है बस, मतलब ऐसे रखा है, प्रोटेक्टिव तो है। क्या मुझे ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा ऑप्शन होता ना कि नया नया डेट करना स्टार्ट किया इन्होंने, तो मैं वो चूज करती हूँ, तो मैं इसको बोलूंगी डेटिंग, ऐसे बोल दिया बस। यार ये बहुत टफ है, मतलब उसको गलत ही हो रहा है। हाँ हो सकता है बड़ी दीदी भाई ऐसा लग रहा है। अब लग कितना, मेरा पॉइंट कितना हुआ, 1। ऐसे ये लिप्स सेम, आंखें सेम, उनका ये पार्ट देखो बस, ये पार्ट पूरा सेम, मतलब पूरा चीक टू चीक, ये तो डेट कर रहे हैं भाई बहन। ऐसे गाल से गाल मिला के फोटो खींचेंगे, खींच सकती हूँ ना, कुछ भी पॉइंट नहीं मिला। मुझे लग रहा है कि ये दोनों सिबलिंग, सिर्फ एक सही हुआ मेरा, सिर्फ एक अभी वाला अगर सही नहीं हुआ ना मेरा, तो मैंने
का दांत सेम है, लेकिन उससे हम ये नहीं बोल सकते कि वो भाई बहन है। लड़की का फेस कट, लड़का का फेस कट पूरा अलग है। मुझे लड़का इंग्लिश लग रहा है और लड़की मैक्सिकन लग रही है, पता नहीं क्यों ऐसे, मतलब इंस्टिंक्ट। मैं तो बोलूंगी डेटिंग, 1 2 3 डेटिंग। 2 कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो नेक्स्ट है ये, इन्होंने हाथ पे हाथ पकड़ा है, गाल से गाल मिलाया है। लड़की इतनी सुंदर है यार, ये लड़की एकदम बार्बी की तरह लग रही है, एकदम परफेक्ट है। चीक बोन, जॉ लाइन, फोरहेड, हाथ भी एकदम लाइन में, इतनी सुंदर है, मैं डेट कर लूँ इसका तो। लड़की बहुत खुश लग रही है। इसे मैं क्या करूँगी, सीधा इनकी आंखों में देखूंगी क्या ये प्यार में है। तो मैं देख के कोशिश कर रही हूँ देखने की कि क्या ये प्यार में है कि नहीं। ये दोनों प्यार में है। जब प्यार में होते कोई उनका चेहरा अलग ही ग्लो करता है। मैं बोलूंगी डेट करें। तीसरा सही, 1 2 3 डेटिंग। ऐसे इनकी आंखों में देख के मुझे पता चल गया और कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं सीधे आंखों में देखूंगी। अब मैं इनकी आंखों में देखना चाहूँ। कपड़े अच्छे पहने हैं पर लड़की मुझे अच्छी लग रही है। मुझे लड़कियाँ क्यों अच्छी लग रही है? मैं स्ट्रेट हूँ। लड़की के एब्स भी है। लड़का ने लड़की के कमर पे हाथ रखा है। ये दोनों भाई बहन है। कि मेरे हिसाब से आप किसी के साथ रिलेशन में होते हो तो सबसे पहले आपको अगर फोटो खींचेगा कोई तो आपको बोलते पोज दो, तो आप सीधा ऐसे तो नहीं रखोगे उसके ऊपर, दोस्त के साथ या भाई के साथ ही ऐसे रखते हैं। तो मुझे लग रहा है ये भाई बहन है। और लड़की का जो पोस्चर है उससे मुझे लग रहा है कि ये दोनों भाई बहन है। और जो लड़का का पोस्चर है उससे मुझे लग रहा है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। मिडिल ग्राउंड ढूंढते हैं कुछ। लड़का लड़की को नहीं देख रहा, लड़की भी लड़का को नहीं देख रहा, मुझे लग रहा है भाई बहन है। तो 1 2 3 अच्छा हो रही हो ना गेम में। Next player. कोई ऐसे फोटो दिखा के बोले नहीं ये कौन है, मैं बोलूंगी भाई बहन। कोई सेकंड थॉट ही नहीं आएगा दिमाग में, ये तो भाई बहन ही है। इन्होंने ट्विनिंग किया है, बाल का कलर सेम। हाँ ये दोनों भाई बहन है, मुझे तो ये ट्विन लग रहे हैं। लड़की ने नाइकी का टी शर्ट पहना है। देखो लड़का बिल्कुल प्रोटेक्टिव नहीं हो रहा है इसको लेके, लड़का एकदम अपना रिलैक्स ऐसे खड़ा है। और ऐसा लग रहा है लड़का का स्माइल से तो पूरा लग रहा है कि ये प्यार में है ना। और लड़की ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती हंस रही है। ये दोनों कोई एडवेंचर करने आए हैं एक साथ, कपल गोल्स हो सकता है या फैमिली के साथ भी आया हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर फैमिली ऐसा अलाउ नहीं करती कि कोई डेंजरस चीज करो आप अपनी बहन के साथ जाके। लेकिन ये इंडिया भी नहीं है तो बाहर के पेरेंट्स करने देते होंगे। वैसे यार कर रहे क्या, जिप लाइन कर रहे। मैं ज्यादा नोजी हो रही हूँ। मैं बोलूंगी सिबलिंग्स इतना जज करो, थक गए यार। डेट कर रहे हैं, डेट तो दूर की बात है, मुझे तो ये ट्विन्स लग रहे थे। नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर कहानी बनाएंगे। चलो लड़का भी बहुत खुश है, लड़की भी बहुत खुश है, दोनों किसी वेकेशन या पिकनिक पे लग रहे हैं। एडवेंचर कुछ तो कर रहे हैं, मजेदार कुछ कर रहे हैं। लड़का ने कॉल किया होगा कि चलो हम लोग संडे को ऐसा करते हैं, तो चलो चलो ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ ऐसा हैप्पी वाइब्स आ रही है। पीछे किसी ने टोपी पहना हुआ है, मतलब इनके साथ कोई और भी इनके दोस्त लोगों के साथ आए हैं, तो पिकनिक टाइप कुछ का। दांत अलग है, वही मैंने लड़की के आईब्रोज डार्क है, लड़की के आईब्रोज लाइट है। लड़का का हेयर कलर डार्क है, लड़की का हेयर कलर लाइट है। तो अलग अलग जीन्स है। लड़का बहुत खुश लग रहा है यार, ये प्यार में है लग रहा है मुझे। डेटिंग, सिर्फ लड़का के स्माइल को देख के मैं बोल रही हूँ लग रहा है कि ये दोनों कर रहे हैं डेट। मेरा है फाइनल आंसर डेट। 1 2 3 मैं तो अपना काउंट ही भूल गई, मेरे तो सारे गलत हो रहे थे। 3 पता नहीं कितने यहाँ पे होंगे। आज 2 बजे, जिसमें कि बहुत प्यारा पप्पी है, दोनों की आंखें सेम है। मुझे पता ये फोटो देख के ऐसे वाइब आ रही है कि फैमिली है ये लोग। फैमिली मतलब भाई बहन वाला नहीं, फैमिली मतलब ये पापा है, ये मम्मी है, ये उनका बच्चा है। और पापा ने बच्चे को एकदम जैकेट के अंदर डाल के रखा है, कोजी कोजी गरम गरम। हाँ दिख रहा है, खुशी दिख रही है। ये लोग, लड़का प्रोटेक्टिव है, लड़का रिस्पॉन्सिबल है, लड़का फैमिली मैन है, ठीक है। यार ये दोनों बहुत सही लग रहे हैं, मैं बोलूँगी डेटिंग में। ये मेरा वो है, मतलब सपनों का पिक्चर मान लो, सपनों का डेट, सपनों का डेटिंग लाइफ, जिसमें लड़का प्रोटेक्टिव है, लड़का मेरे डॉग को केयर कर रहा है, मुझे केयर करता है। तो मैं बोलूँगी डेटिंग। पता है अभी थोड़ा एक्सपर्ट हो गई हूँ मैं आपने, लेकिन एक्सपर्ट तब हुई जब लास्ट एक बचा हुआ है। मतलब जो दिखता है उससे नहीं जाना है, जो आपको फील हो रहा है उससे जाना है। तो अभी लास्ट एक ही बचा हुआ है। अफ्रीकन कपड़े और इंडियन कपड़े बहुत सिमिलर होते हैं। लड़का ने देखो इतना ट्रेडिशनल कपड़े पहने, लड़का ने अपना चेन नहीं छोड़ा। पहली बात तो यह है मुस्लिम, अफ्रीकन ज्यादा मुस्लिम होते हैं शायद। और मैंने कैसे गेस किया मुस्लिम, क्योंकि जो लड़की का पेंडेंट है उसमें उन्होंने उर्दू है शायद, शादी में है, शायद शादी में है। तो
फैमिली फंक्शन बहुत डिसेंट है, बहुत स्वीट है, इनकी शादी हुई इनकी रिसेप्शन आज से, तो मुझे गलत नहीं होना। लड़की ने एलवी का बैग लिया है, मतलब रिच भी है। लड़की ने कोई रिंग नहीं पहना, लड़के ने भी नहीं पहना। तो सारे डिटेल को मद्देनजर रखते हुए सिबलिंग्स है 1 2 राइट। तो ये इजी था मेरे लिए, क्यों ये था लास्ट पता नहीं, मैं जीती की नहीं लेकिन मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। और अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करो, मुझे तो बहुत मजा आया, अकेले वीडियो बना के भी इतना मजा आया। पहले मुझे ना ऐसा गेसिंग गेम बहुत अच्छा लगता है, क्विज हो गया, रिडल हो गया, ऐसे गेस करने वाला गेम बहुत मजा आता है। कितना गेस किया, कितना सही गेस किया, कितना गलत गेस किया, सही सही लिखना प्लीज। वीडियो आइडियाज भी दे सकते हो आप, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो ब्लेंडेड बंडल के नाम। फिर कोई आइडिया आता है या आप लोग कमेंट्स में कुछ अच्छा है बताते हो मुझे, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, तो मुझे जरूर बताना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। Bye.